नमस्कार साथियों, आप सभी के आपके अपने चैनल रामणम आपका स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से जुड़ी क्या अपडेट है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उपेन यादव ने कल ट्वीट करके भी जानकारी दी है कि 7 अगस्त तक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी होने का इंतजार करेंगे और यदि बोर्ड द्वारा 7 अगस्त को परिणाम जारी नहीं होता है तो 8 अगस्त को 11 बजे सभी अभ्यर्थी अधीनस्थ बोर्ड पहुँचकर चेयरमैन साहब से मुलाकात करके और जल्द ही परिणाम जारी करवाने की मांग करेंगे। और आज एक घंटे पहले इन्होंने मुलाकात की और ट्वीट करके जानकारी दी है कि जो वीडियो भर्ती में फटे हुए लिफाफे तथा ऐप, जो सीकर का एडुटेप ऐप जिसमें कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में 45 क्वेश्चन और वीडियो में लगभग 65 क्वेश्चन उस ऐप में से आने का सवाल उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर SOG से जाँच और कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती प्रयोगशाला सहायक भर्ती MVSI भर्ती का परिणाम जारी करवाने सहित बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा से मुलाकात की और 8 बजे में लाई रहूँगा और तमाम भर्तियों को लेकर के डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही भरत बेनीवाल ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है कि कल आज सचिवालय में ACS स्कूली शिक्षा पवन कुमार गोयल से अधीनस्थ बोर्ड को कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम जारी करवाने और निर्देशित करवाने को लेकर मुलाकात की और बोर्ड को जल्द ही आई आपत्तियों के निस्तारण की मीटिंग कर 15 अगस्त से पहले परिणाम जारी करने के निर्देश दिए हैं। तो देख सकते हैं कि और इसके रिजल्ट की बात करें कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती और जो आपत्तियां हैं उसका आपको जल्द ही इसी सप्ते में जो निस्तारण है वो मिलने वाला है और रिजल्ट आपको अगस्त के 1 सप्ते में देखने को मिलने वाला है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती। और जो असमंजस है 40% क्राइटेरिया को लेकर के, क्या सीटें खाली रहेगी इनको, और जो लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती में जो घोटाले हुए हैं, इतनी बड़ी धांधली हुई है पेपर आउट को लेकर, वे इस पर भी अभ्यर्थी अभी तक आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन आवाज़ अभी तक दबी हुई है, ना कोई बड़ी स्तर पर और ना ही कोई जांच चल रही है इसको लेकर। अब देखते हैं जो एडुटेक ऐप को लेकर के तो क्या अपडेट है इसके बारे में ही जल्द ही मैं आपको बता दूँगा कि, और जो लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि मांग में उनको मांग बड़े स्तर पर उठानी होगी तब भी आपकी मांग मानी जाएगी, लेकिन सोशल मीडिया से इस तरीके से आपका नहीं कुछ हो सकता है। लगातार आप सोशल मीडिया से ही आवाज़ उठा रही है जो घोटाले को लेकर के, धांधली को लेकर के, पेपर आउट को लेकर के, अभी तक आपसे कुछ नहीं हुआ और इसका रिजल्ट ही जल्द ही आपको देखने को मिलने वाला है। तो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से जुड़ी जल्दी हर अपडेट जानने के लिए चैनल से ज़रूर जुड़े।